नमस्कार, प्रॉपर्टी मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं शीतल आर भारद्वाज। प्रॉपर्टी मंत्रा में हम आपको आपकी जमीन जायदाद से संबंधित जानकारी देते हैं। साथ ही हमारी ये कोशिश भी रहती है कि आपकी जमीन जायदाद से जुड़ी समस्याओं का हम हल भी कर पाए, इसीलिए हम हर सप्ताह आपके लिए लेकर आते हैं प्रॉपर्टी मंत्रा। प्रॉपर्टी मंत्रा को आपका पिछले 27 एपिसोड से भरपूर प्यार मिला है। इस बीच प्रॉपर्टी मंत्रा के सफर में कई उतार चढ़ाव आए, बावजूद इसके आपके पत्र, शिकायतें और आपके प्यार ने हमें हौसला दिया और हम आपकी बात को पुरजोर तरीके से उठाते रहे। जी हां, इस साल के अंतिम सप्ताह में हम आपको पिछले 27 एपिसोड्स के सफर पर लेकर चलेंगे। हम आपको दिखाएंगे कि इस सफर में हमने क्या खोया और क्या पाया। आम्रपाली ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर अनिल शर्मा का कहना है कि 2013 साल रियलिटी के लिए थोड़ा उठा पटक का जरूर रहा है, लेकिन इस साल ने कुछ सौगातें भी दी हैं। साथ ही 2014 का आने वाला साल देश के लोगों के साथ साथ रियलिटी के लिए भी अच्छा रहेगा। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनिल शर्मा जी। अनिल शर्मा जी, आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे सवाल ये करना चाहूँगा, 2013 ख़त्म होने को है और 2014 आने को है, 2014 को लेकर के आम्रपाली ग्रुप की क्या स्ट्रेटजी है, आने वाले प्लान क्या क्या हैं? देखिए, 2013 में तो हमने बहुत सारी परेशानियां झेली, देखा भी, डाउन टर्न था, स्लो डाउन था, बहुत सारे सेंटिमेंट्स ड्राइव कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया कि कम से कम इंडस्ट्री कंज्यूमर के लिए अच्छा रहे, फ्रेंडली रहे। 2014 का जो वर्ष है हम लोग के लिए बहुत अहम है। अहम इस मायने में है क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो मॉनेटरी पॉलिसी के तहत परेशानियां हुई, वो परेशानियां मुझे लगता है कि थोड़ी दूर होगी, क्योंकि अभी जो रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी थी कहीं ना कहीं वो इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है। जो कस्टमर है, क्योंकि उसकी शिकायत यही होती है कि अगर स्लो डाउन है तो फिर जो रियलिटी सेक्टर के जो डेवलपर हैं वो प्रोजेक्ट बंद क्यों नहीं कर देते हैं? नहीं, देखिए, स्लो डाउन डेवलपर के द्वारा नहीं है। जब स्लो डाउन, कभी भी इकोनॉमिक स्लो डाउन होती है, लेकिन हिंदुस्तान का जो अभी का परिप्रेक्ष्य है उसके हिसाब से स्लो डाउन एक सेंटिमेंटल स्लो डाउन है। स्लो डाउन एक भावनात्मक है, क्योंकि बहुत सारी जो पॉलिसीज है वो डेवलपर को सपोर्ट नहीं करती है। काम बंद करना कोई सोल्यूशन नहीं है। मैंने जैसा कहा कि अगर काम बंद करते हैं, इंडस्ट्री बंद करते हैं, तो उससे बहुत नुकसान है। एम्प्लॉयमेंट का नुकसान है, आपका जो रेवेन्यू जनरेशन है उसका नुकसान है, उसके अलावा जो प्राइसेस का है, जो बेतहाशा बढ़ता है, उसका नुकसान है। क्योंकि जब तक आप सप्लाई नहीं करेंगे तो इंडस्ट्री तो चलनी ही है, चाहे वो काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस से चले या लिबरलाइजेशन से चले, ये डिपेंड करता है कि पॉलिसी मेकर्स को सोचना है। जहाँ तक कंज्यूमर है, कंज्यूमर तो इनोसेंट है, बेचारा है, लेकिन कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए। कंज्यूमर को अवेयर करना चाहिए कि सही जगह सही लोगों को चुने। और जो आज के डेट में आप स्लो डाउन हिंदुस्तान में देख रहे हैं वो एक सेंटिमेंटल स्लो डाउन है। लगता है कंज्यूमर को, लगता है वेट एंड वॉच में है कि इंटरेस्ट रेट थोड़ा घटेगा, प्राइसेस थोड़े घटेंगे, इन्फ्लेशन थोड़ा कम होगा, तो ये सारी थोड़ी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, थोड़ा माहौल बदलेगा। तो ये वेट एंड वॉच की जो जो भावना है उनके अंदर, उसके कारण स्लो डाउन है। अदरवाइज डिमांड में कोई स्लो डाउन नहीं है। तो डॉक्टर साहब, जो प्रोजेक्ट जो डिले हो रहे हैं लगातार, उसकी क्या वजह है? क्योंकि कंज्यूमर जो है वो जो मिडिल क्लास का है, सबसे ज़्यादा असर उस पर पड़ता है, ना तो कॉरपोरेट सेक्टर को पड़ता है, ना जो लग्जरियस जो प्रोजेक्ट में जाते हैं उन्हें ज़्यादा असर पड़ता है। जो सबसे ज़्यादा असर पड़ता है वो मिड सेगमेंट के लोगों पर पड़ता है, जिनका घर का जो सपना है वो लगातार जो है वो देर ब देर वो धीरे धीरे पीछे होता चला जाता है। मैं बिल्कुल आपकी बात से ताल्लुकात रखता हूँ। एक्चुअली मैं ये नहीं कहता आपको कि इसमें डेवलपर्स की गलती नहीं है, उनकी भी गलती है, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप देखें तो इस तरह के प्रोजेक्ट डिले के बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण, आप देखिए, बहुत ऐसे स्टेट हैं, बहुत ऐसा शहर है जहाँ पर कि अप्रूवल ही 2 साल बाद मिलता है, नंबर 1। नंबर 2,
अप्रूवल मिलने के बाद बहुत सारी एजेंसीज है, बहुत सारे स्टेचुटरी बॉडी हैं हिंदुस्तान में जो उसको रोकती है, चूँकि इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन नहीं, एक डिपार्टमेंट उसको पास करती है, दूसरी डिपार्टमेंट उसको रोकती है, एक वो कारण है। तीसरा कारण क्या है प्रोजेक्ट डिले का, कि अगर देखिए आप मान लिया 100 यूनिट का कोई घर बना रहे हैं और एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार हो चुका है जिसमें सिर्फ 15 लोग ही उसमें, अब डेवलपर के साथ 85% इन्वेंट्री अभी बिकनी है या आगे उसको सेल करना है, मार्केट कंडीशन क्या है या इंटरेस्ट रेट क्या है या पॉलिसी क्या है उसके हिसाब से वो वेट करता है, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का भी सपोर्ट लेजिटिमेटली नहीं मिल पाता उसको, अगर वो भी मिले समय से मिले तो प्रोजेक्ट बना लेगा। तो डिले के अपार्ट फ्रॉम, मैं इस बात से कभी भी डिनाई नहीं करता हूँ कि डेवलपर्स भी कहीं ना कहीं गलती करते हैं, उनकी भी गलतियाँ रहती है, लेकिन सिस्टम अगर सही रहे तो डेवलपर को पकड़ा जा सकता है क्यों डिले। दूसरा एक मैंने कहा आपको, कुछ एक ऐसी पॉलिसीज हैं देश में जिसके कारण आज लेबरर्स की समस्या है, लेबरर्स की समस्या के कारण डेवलपर को इनोवेशंस में जाना पड़ेगा और अब इनोवेशंस नई तकनीक नई टेक्नोलॉजी लोग लेकर के आ रहे हैं, हम लोग भी लेकर के आ रहे हैं, आम्रपाली भी लेकर के आ रहा है, ताकि वो डिपेंडेंट 100% लेबर ओरिएंटेड नहीं हो, कहीं ना कहीं जो नई टेक्नोलॉजी होगी जो फास्टर आपको काम करके देगी, फास्टर घर बनेंगे। तो मुझे लगता है कि अब जैसा आपने सवाल किया ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो आम लोगों के लिए मिडिल क्लास के लिए बिल्कुल सोच की बात है। कि बीच में जैसा आपने देखा कि ऑनरेबल कोर्ट के कारण एक साल डेढ़ साल बंद रहे, अब डेवलपर क्या करेगा। हाँ, जहाँ पे सारी सिस्टम्स इन प्लेस है उस समय डेवलपर को समय पे बना के देना चाहिए, अगर वो नहीं बना के देता तो उसको कंज्यूमर को कंपनसेट करना चाहिए। आने वाले समय में जो 2014 है उसमें आम्रपाली ग्रुप के कौन कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं और लोगों के लिए उनका क्या संदेश है। देखिए, आने वाले समय में हमने देखा है कि जैसा कि हम लोग का आम्रपाली का शुरू से रहा है कि हम लोगों ने मिड सेगमेंट के लिए काफ़ी फाइट की है, एक रिवोल्यूशन लाया है, क्योंकि देश में 60% से ऊपर जो होम सीकर्स हैं जिनको घरों की दिक्कत है, जिनको न सरकार एड्रेस करती है ना उनके पास इतने पैसे हैं कि वो बड़े कीमतों में मकान खरीद सकते हैं, तो हम लोगों ने इस रिवोल्यूशन को एक हवा दी है, इसको मजबूत किया है और उसके तहत हम चाहते हैं कि टीयर 2-3 सिटीज़ में छोटे छोटे शहरों में भी हम अफोर्डेबल घर बनाएं। इसी के तहत हम भुवनेश्वर जा रहे हैं या पटना जा रहे हैं, रायपुर जा रहे हैं या और भी कई बरेली जैसे शहर को हम लोगों ने चुना है, मध्य प्रदेश में ग्वालियर है जहाँ से, इस तरह के जो टीयर 2 और 3 सिटीज़ हैं जहाँ पे भी अफोर्डेबल घरों की बहुत ज़रूरत है। तो हमारा संदेश यही होगा, हमारा कहना ये होगा कि डेवलपर सिर्फ या कोई भी बिजनेस हाउसेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम ना करें, काम करें कि कहीं ना कहीं आप जो काम कर रहे हैं उसके तहत आप लोगों को सेवा भी कर सकें, उनको घर भी दे सकें, एम्प्लॉयमेंट दे सकें और देश की तरक्की में योगदान कर सकें। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने साधना न्यूज़ को समय दिया, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अनिल शर्मा जो बता रहे थे कि जो मिड सेगमेंट का जो उपभोक्ता है उसके लिए 2014 आने वाला जो साल है वो बेहद अच्छा रहेगा। रविंद्र कुमार गौतम, साधना न्यूज। प्रॉपर्टी मंत्रा का सफर हमने इस उम्मीद से शुरू किया था कि आपका सहयोग और प्रेम हमें पत्र, मेल और फोन कॉल के माध्यम से मिलेगा, जो हमें भरपूर मिला। कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी एमटेक के पीड़ितों के साथ, जिन्हें अब प्रॉपर्टी मंत्रा का के माध्यम से न्याय मिला है। आइए देखते हैं सफर की कुछ झलकियां। प्रॉपर्टी मंत्रा एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हमने कोशिश की है कि आपको अपनी प्रॉपर्टी से संबंधित हर समस्या का जवाब मिले। इसी फहरिस्त में हमने सबसे पहले उठाया एमटेक बिल्डर्स के काले कारनामों पर से पर्दा। हाँ, लेकिन उस जिस समय ये एडवर्टाइजमेंट होती है उस समय पे क्या है कि प्रशासन को वहाँ पे चीजें अप्लाई कर चुके होते हैं वो लोग जी। तो मान लो कोई एप्लीकेशन दे रखी है या कोई उन्होंने कोई कहीं से परमिशन ले रखी है और लेनी है वहाँ से जी। तो इस बारे में थोड़ा सा ना एम्बिगुअस होता है सारी चीजें, जिसके बाद मामले पर कोर्ट से सख्त कार्रवाई करते हुए एमटेक के खिलाफ कड़े कदम उठाए और फिर एमटेक के पीड़ितों को उनका हक मिला, जिसमें बिजेंद्र शर्मा को उनका बकाया ब्याज सहित एमटेक को लौटाना पड़ा।
इतना ही नहीं, साधना न्यूज के खुलासे के बाद एमटेक के खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी तेज हुई। हमारे साथ मौजूद हैं केएन रावल जी जो कि क्रिमिनल लॉयर हैं हाई कोर्ट में, और इसके साथ ही देवेंद्र सिंह हमारे साथ हैं जो कि प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं। उनसे हम सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं और आपके लिए क्या विकल्प रहते हैं उनको भी जानने की कोशिश करते हैं। रावल जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जो अभी खबर देखी है उसके मुताबिक एक व्यक्ति को 2009 से अभी तक 2013 हो गया और उसे अपना घर नहीं मिल पाया है, क्या करना चाहिए एक व्यक्ति को, और क्या लगता है कि इनको इनके घर का जो सपना एक था वो फिर से जुड़ पाएगा, या वो यूं ही टूटा रहेगा, जख्मी यूं ही भरे रहे, मतलब हरे रहेंगे? देखिए, जैसा कि उन्होंने बताया कि उन्होंने ईओडब्ल्यू सेल में भी ये कंप्लेंट कर चुके हैं, तो अभी इन्वेस्टिगेशन इस केस की पेंडिंग है, चार्जशीट अभी फाइल हो ही रही है, और हाई कोर्ट में जो इन्होंने एमटेक बिल्डर्स ने जो बेल अप्लाई की है वो इंटरिम बेल है, अभी कंफर्म बेल नहीं हुई है अभी जी। तो जब तक ये पैसा नहीं लौटा देंगे इनकी बेल कंफर्म नहीं होगी, तो ये उस केस को परसू करते रहे, हाई कोर्ट जाए, जो इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उससे कॉन्टेक्ट में रखे, पैसे तो उन्हें वापस कर रही होंगे। जहां तक फ्लैट मिलने का सवाल है तो मुझे नहीं लगता कि फ्लैट अभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अब जो उनकी पॉलिसी है, जो उन्होंने कहा है हाई कोर्ट से भी, जो उन्होंने कहा है कि हम पैसा जो है इन्वेस्टर्स का वो वापस देंगे जी। अब देवेंद्र जी, हम ये समझना चाहेंगे कि क्या इस तरह से भी अगर प्रॉपर्टी के जो लोग होते हैं, डेवलपर्स होते हैं या बिल्डर्स होते हैं, इस तरह के काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर जो अच्छे बिल्डर्स होते हैं उन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, क्या लगता नहीं कि जो अच्छे बिल्डर्स हैं उनको इस तरह के प्रयास करना चाहिए और ब्लैक लिस्टेड जो किए जाते हैं या जो इस तरह के काम करते हैं उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए? हमारे हिसाब से बिल्डर एक कंपटीटर को खत्म करने के लिए कुछ और भी कदम उठाएगा, उस दिशा में वो नहीं जाएगा, ये बिजनेस है, देखिए इसमें बिल्डर का कोई योगदान नहीं है, इसमें जो अथॉरिटीज हैं उनको एक्शन लेना चाहिए, उनका रोल अहम है ज्यादा। बिजनेस जो देवेंद्र जी होता है, बिजनेस का मतलब तो ये होता है ना कि आपका फायदा तो हो लेकिन जो आपका कस्टमर आ रहा है, जो आपका उपभोक्ता है, उसको भी फायदा पहुंचे, ये बिजनेस नहीं कहा जा सकता, ये लूट कही जा सकती है, ये अपराध के खिलाफ, उसके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्यवाही चल रही है, वो ईओडब्ल्यू में पेंडिंग है। हाँ, डिले जरूर है, ये कह सकते हैं। जो अच्छे बिल्डर्स हैं जी, आप कह रहे हैं कि ये एक तरह का बिजनेस है, पहली चीज तो ये बिजनेस इसको हम नहीं कह सकते। साधना न्यूज पर दिखाया जाने वाला कार्यक्रम प्रॉपर्टी मंत्रा का सफर कई मायनों में दिलचस्प है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम न सिर्फ प्रॉपर्टी से जुड़ी खबरें दिखाते हैं बल्कि खोजी पत्रकारिता के माध्यम से खबर की तह तक भी जाते हैं। यूं तो देश में कई खबरिया चैनल हैं और कार्यक्रम हैं, लेकिन साधना न्यूज देश का एक ऐसा चैनल है जिसका सीधा सरोकार आपसे यानी देश के लोगों से है। हम खबर दिखाते हैं और खबर की तह तक भी जाते हैं, जिसका असर ये होता है कि देश के लोग न सिर्फ हम पर भरोसा करते हैं बल्कि हमें उनका भरपूर प्रेम भी मिलता है। साधना न्यूज का प्रॉपर्टी मंत्रा एक ऐसा ही कार्यक्रम है जिसमें हम प्रॉपर्टी से जुड़ी आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर डेवलपर समय से चीजें ना दे और इस तरीके की बातें आए कि वो अपने जो प्रोजेक्ट में गैर कानूनी तौर पर अगर वो पैसा लगाए या कुछ ऐसा करे, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए अब्बल, तो हम लोग इस तरीके के लोगों को मेंबर नहीं बनाते। अगर कभी किसी गलत फहमी में या मेंबर पहले से रहा हो, बाद में गलती करता हो, तो हम लोग बहुत सीरियस लेते हैं इसको। ऐसा नहीं है कि कोई डेवलपर गलती करे और बायर्स के साथ बहुत जाती करे। लोगों का सही में सपना होता है, मिडिल क्लास फैमिली के लोग जुड़े होते हैं जिनकी आय सीमित होती है, वैसे डेवलपर को हम लोग भी कार्रवाई करते हैं, हम लोग हटाते भी हैं, और हम लोग बल्कि अब आगे आने वाले दिनों में और स्टर्न एक्शन के लिए हम लोग रिकमेंड करने वाले हैं। डेफिनेटली देखिए, मैं तो बिल्कुल साफ कहूँगा, आपने जो मुद्दा उठाया है वो मुद्दा बिल्कुल स्वागत योग्य है, और मैं कहूँगा जो गलत हैं उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। हमारे पास आपकी समस्या आती है और मौके पर ही हम उनका समाधान भी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि साधना न्यूज से जुड़े हमारे दर्शकों का साधना न्यूज के साथ नाता बहुत पुराना है।
और इसीलिए हम खबर की तह तक जाते हैं। ऑपरेशन ब्लैक गोल्ड के दौरान हमने कई कानूनी दांव पेच सहन किए, लेकिन आपके खत, मेल और फोन कॉल से हमें हौसला मिलता रहा और हम अपना सफर जारी रखते रहे। इसी फहरिस्त में कॉस्मिक ग्रुप के खिलाफ सरकारी कार्रवाई हुई और कॉस्मिक ग्रुप के खातों की जांच हुई, जिसके बाद हम यही नहीं रुके और जैसा हमने वायदा किया था, हम लगातार खुलासे करते रहेंगे। और इसी फहरिस्त में हमने उठाया सुपर टेक का मुद्दा। सुपरटेक लिमिटेड के पीड़ितों ने हमसे संपर्क किया और हमने उनकी समस्या सुनी और समस्या की गंभीरता को देखते हुए लगातार मुद्दों को सरकार के कानों तक पहुंचाया ताकि मामले पर कार्रवाई हो। फर्जीवाड़ा जो सामने आया है, तमाम बायर्स जो उनका ये कहना है कि 2011 में स्थिति को साफ करना चाहिए था, लेकिन 2011 में सुपरटेक बिल्डर्स की ओर से ऐसा कोई भी बात सामने नहीं रखी गई थी। आश्वासन दिया गया 2013 में आपको अपना फ्लैट मिल जाएगा, लेकिन वो फ्लैट नहीं मिला। अब ये गुहार लगा रहे हैं प्रशासन से, पुलिस से, लेकिन देखना ये है कि क्या पुलिस प्रशासन इनकी गुहार को सुनता है, इन्हें न्याय दिलाता है या फिर उन बिल्डरों का साथ देता है। कैमरामैन रोहित के साथ पंकज पांडे, सादा न्यूज, दिल्ली। सुपरटेक के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए हम रात दिन खबर पर बने रहे और फिर वो समय भी आया जब सुपरटेक के पीड़ितों की आवाज सरकार के कानों तक पहुंची और सुपरटेक के पीड़ितों को न्याय मिला। प्रॉपर्टी मंत्रा डेस्क, साधना न्यूज। साधा न्यूज वचनबद्ध है कि वो न सिर्फ आम सरोकार की खबरों को दिखाएंगे बल्कि पर्यावरण बचाने की पहल में भी कदम से कदम मिलाकर चलेगा, क्योंकि जब बात इंफ्रास्ट्रक्चर की हो तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। ऐसे में ये भी जरूरी है कि पर्यावरण का पूरी तरह से ख्याल रखा जाए, जिसे साधना न्यूज ने प्रमुखता से समझा है और मुद्दे को उठाया भी है। पर्यावरण का उठाया मुद्दा, एनजीटी ने दिया नोटिस, बिल्डर्स को मिला नोटिस, साधना न्यूज की पहल। साधना न्यूज पर दिखाए जाने वाले प्रॉपर्टी मंत्रा में यूं तो बहुत सी खास बातें हैं, लेकिन हम प्रॉपर्टी के साथ साथ पर्यावरण के मुद्दों को भी गंभीरता से लेते हैं। और मुद्दा अगर आपकी प्रॉपर्टी से भी जुड़ता हो तो मुद्दे को गंभीरता से लेना साधना न्यूज की पहली कोशिश रहती है। इसी फहरिस्त में एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ओखला बर्ड सेंचुरी के 10 किलोमीटर के क्षेत्र में चल रहे प्रोजेक्ट्स पर रोक लगाने और नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से एनओसी लेने के लिए कहा है, जिसका उल्लंघन होने पर डेवलपर्स पर कानूनी कार्रवाई होती है, जिसका खुलासा साधना न्यूज ने किया। साधना न्यूज ने दिखाया कि किस तरह से ओखला पक्षी विहार के आसपास के इलाकों में धड़ल्ले से निर्माण कार्य चल रहा है, वो भी कानून को ताक पर रखकर। साधना न्यूज पर खबर दिखाने के बाद शासन और प्रशासन की आंखें खुली और दोनों ने ही कमर कसते हुए बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई की, जिसके बाद हमें आपकी प्रशंसा के खत और फोन भी आए। हमने पर्यावरण का मुद्दा उठाया जिसे देश के कई बड़े अखबारों ने भी अपने पेज की खबर बनाया। इतना ही नहीं, एनजीटी ने भी साधना न्यूज का हवाला देकर डेवलपर्स के खिलाफ कार्रवाई की, जिसके बाद ओखला पक्षी विहार के इलाके में एनओसी लेकर ही निर्माण कार्य को हरी झंडी मिली। साधना न्यूज की कोशिश बस यही है कि हम ना सिर्फ प्रॉपर्टी से जुड़े मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाएं, बल्कि पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को भी उठाएं। और ये तभी संभव है जब आम लोग और हमारे दर्शकों का प्यार और सहयोग हमें मिलता रहे, ताकि हम आपकी आवाज बनकर मुद्दे को उठा सके। प्रॉपर्टी मंत्रा डेस्क, साधना न्यूज। साधना न्यूज के प्रॉपर्टी मंत्रा पर देश के कई बड़े डेवलपर्स ने अपनी राय रखी और मशविरा दिया, जिसमें आम्रपाली के चेयरमैन डॉक्टर अनिल शर्मा, जीटीएम के सीएमडी तुषार कुमार और गौर ग्रुप के सीएमडी मनोज गौर जैसे नामी प्रतिष्ठित शामिल हैं, जिन्होंने न सिर्फ प्रॉपर्टी मंत्रा की तारीफ की बल्कि अपनी राय भी रखी। डेवलपर्स ने दी राय, साधना को दी बधाई, मुद्दों पर दी बेबाक राय।
साधना न्यूज के प्रॉपर्टी मंत्रा पर देश के कई बड़े डेवलपर्स ने अपनी अपनी राय और मशवरा दिया, जिसमें आम्रपाली के चेयरमैन डॉक्टर अनिल शर्मा, जीटीएम के सीएमडी तुषार कुमार और गौर ग्रुप के सीएमडी मनोज गौर जैसे नामी प्रतिष्ठित नाम शामिल हैं, जिन्होंने न सिर्फ प्रॉपर्टी मंत्रा की तारीफ की बल्कि अपनी राय भी रखी। अगर कभी किसी गलत फहमी में या मेंबर पहले से रहा हो, बाद में गलती करता हो, तो हम लोग बहुत सीरियस लेते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई डेवलपर गलती करे और बायर्स के साथ बहुत जाती करे। उनका सही में सपना होता है, मिडिल क्लास फैमिली के लोग जुड़े होते हैं जिनकी आय सीमित होती है, वैसे डेवलपर को हम लोग भी कार्रवाई करते हैं, हम लोग हटाते भी हैं और हम लोग बल्कि अब आगे आने वाले दिनों में और स्टर्न एक्शन के लिए हम लोग रिकमेंड करने वाले हैं। डेफिनेटली देखिए, मैं तो बिल्कुल साफ कहूँगा, आपने जो मुद्दा उठाया है वो मुद्दा बिल्कुल स्वागत योग्य है और मैं कहूँगा जो गलत है उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। अनिल शर्मा ने एक तरफ जहाँ कार्यक्रम की तारीफ की, वहीं ये भी भरोसा जताया कि वो प्रॉपर्टी मंत्रा पर उठाए गए मुद्दों से सहमत हैं। अनिल शर्मा के अलावा जीटीएम ग्रुप के सीएमडी तुषार कुमार ने अपनी इस मामले पर बेबाक राय रखी। अगर हम बात करें कंज्यूमर कोर्ट की, तो उसका बहुत जल्दी फैसले हो रहे हैं और मेरे ख्याल से 5 से 6 महीने के अंदर, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, फैसला होता है। और कंज्यूमर कोर्ट्स बनाई इसलिए गई हैं कि वो कंज्यूमर का ध्यान रखें, कंज्यूमर के बारे में सोचें। तो फिलहाल प्रॉपर्टी मंत्रालय में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए साधना न्यूज।